नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अपने विचित्र गुणों के कारण जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक है बेशरम का पौधा। यह पेड़ आपने जरूर देखा होगा, पर इसके क्या क्या फायदे हैं यह आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको इस बेशरम के पौधे के औषधीय गुण बताने वाले हैं, साथ में इसकी कुछ विचित्र जानकारी भी देंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान पूर्वक अंत तक देखिएगा, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप दुनिया के सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और देखते रहें। यह बेशरम का पौधा भारत में लगभग सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। सड़कों के किनारे, खाली पड़ी जमीन पर, नदी नालों के आसपास और पानी वाली जगह पर अधिक देखे जा सकते हैं। यह 12 महीने ही हरा भरा रहता है। इस पर इस तरह के फूल लगते हैं, लेकिन इन फूलों में किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती है। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं, यदि इसके पत्तों को तोड़ा जाए तो दूध निकलता है। वैसे इस पौधे को कहीं से भी तोड़ा जाए तो दूध निकलता है। इस पौधे की कुछ विचित्र बातें हैं, जैसे कि ये पौधा कभी मरता नहीं है, क्योंकि इस पौधे को काट कर कहीं पर भी फेंक दिया जाए तो ये वहीं पर पनपने लगता है। यदि ये पौधा पानी के अंदर डूबा है तो वहाँ पर ये सड़ता नहीं है। यदि जमीन पर है और वहाँ पर पानी कम मात्रा में है, फिर भी ये पनप जाता है। तेज गर्मी पड़ने पर भी थोड़े से पानी में ही ये जीवित रह पाता है। इसको किसी भी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे नहीं खाते हैं। कारण यह है कि यह जहरीला पौधा होता है और जो जीव जंतु या जानवर इसको खा जाते हैं वह कुछ ही दिनों में पागल होने लगते हैं। वैसे जानवरों को जहरीले पौधों की पहचान होती है, इसलिए वह इन पौधों को नहीं खाते हैं। लेकिन कोई भी वनस्पति या पेड़ पौधा व्यर्थ नहीं होता है, उसके कुछ ना कुछ औषधीय गुण जरूर होते हैं। उन्हीं औषधीय गुणों को हम बताने वाले हैं। इस पौधे को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि कुछ लोग इसको बेहया, गुजराती में इसको अकादिया कहते हैं, झारखंड में इसको थेथर सदाबहार, बिहार में बागरेला, छत्तीसगढ़ी में बेशरम आदि नाम से जानते हैं। आप इस पौधे के बारे में क्या जानकारी रखते हैं और आप इसको क्या नाम से जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी भाई के काम आ जाए। चलिए अब जानते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग, जिनकी जानकारी आपका ज्ञान बढ़ाएगी तथा अनेक रोगों को दूर करेगी। ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सूजन दूर करने के लिए। किसी भी प्रकार की सूजन है उसको दूर करने के लिए बेशरम के पत्ते बहुत ही अच्छा लाभ करते हैं। इन पत्तों को पीसकर चटनी बना ली जाए और उसमें सरसों का तेल मिलाकर गर्म करें और फिर उसको जहां पर सूजन है वहां पर लेप कर दें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों में सूजन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लगातार प्रयोग करने से आपकी पुरानी से पुरानी सूजन की समस्या दूर हो जाएगी। बिच्छू काटने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। बिच्छू काटने पर इसके दूध को डंक वाले स्थान पर लगाने से जहर का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। या फिर आप इसके पत्तों को पीसकर डंक वाले स्थान पर लेप कर दें, उससे भी बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। इसका अगला प्रयोग है दांतों के रोगों को दूर करने के लिए। पायोरिया एक ऐसी बीमारी है दांतों की, जिसमें दांतों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और दांतों की जड़ों में ऐसा लगता है जैसे कीड़ा लग गया है, दांत उखड़वाना पड़ेंगे। वैसे पायोरिया में और भी काफी सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं इस बेशरम से। इसकी नर्म एवं ताजे डंडियों से दातुन करने से दांतों का पायोरिया रोग ठीक हो जाता है। इस प्रयोग को करते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि इसका प्रयोग बच्चों को नहीं कराना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसका दूध जहरीला होता है। यदि आप भी इसका प्रयोग करें तो सावधानी पूर्वक करें, ताकि इसका रस मुंह के अंदर ना जा पाए। वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है, आपका रोग दूर हो जाएगा। इसके अगले प्रयोग की बात करें तो चोट मोट के दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम और रामबाण दवा है। इसके लिए इसके पत्तों पर तेल लगा लीजिए। तिल्ली या सरसों का तेल लगाकर चोट या मोच या दर्द वाले स्थान पर बांध देने से सारा दर्द पत्ता खींच लेता है और आपको बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। यह सूजन को भी दूर करता है और दर्द को भी दूर करता है। अगले प्रयोग की बात करें तो बाल तोड़ होने पर इसके दूध को लगाना चाहिए, या फिर आप इसके पत्ते के पेस्ट को भी लगा सकते हैं, जो बहुत अच्छा लाभ करता है। इसका अगला प्रयोग है दाद रोग को दूर करने के लिए। किसी भी प्रकार की दाद है, पुरानी दाद है, उसको दूर करने के लिए यह रामबाण दवा का काम करता है और मात्र कुछ ही घंटों में आपको असर दिखाने लगता है। इसके लिए बहुत ही सरल प्रयोग है, आप इसके दूध को दाद वाले स्थान पर लगा दीजिए, या फिर आप इसके पत्तों को पीसकर दाद वाले स्थान पर लेप करते हैं तो बहुत ही जल्दी दाद ठीक हो जाता है। देखने में आया है कि एक या दो दिन में ही दाद पूरी तरह ठीक हो जाता है।
लेकिन ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। तो ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं, आपको जरूर लाभ होगा। एक्सीडेंट या चोट आदि लग जाने पर इसके पत्तों पर तेल लगाकर बांध देने से भी बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। इसका एक और प्रयोग है, यदि फोड़े फुंसी पर इसका दूध लगाया जाए तो फोड़े फुंसी बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं। आप इस बेसरम के पौधे के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? यदि आप इसका कोई औषधीय प्रयोग जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मन में किसी प्रकार का सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।